हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक। आज के वीडियो में एक स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड ये एक ऐसा स्टॉक है जो ग्रोइंग टेलविंड रखने वाला स्टॉक है, साथ ही साथ ऐसे फील्ड से बिलोंग करता है जिसमें हाई एंट्री बैरियर है, साथ ही साथ ये नई टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करने वाला स्टॉक है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। इस स्टॉक के पिछले 3 सालों के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो वो 110% की है। करंटली ये 1.38 के PEG रेशियो पे अवेलेबल है। अगर इसकी थीम की बात करूँ तो ये क्लाउड, डेटा सेंटर, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर्टिकुलर थीम्स पे काम करने वाली कंपनी है। कंपनी के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड। आई हैव अराउंड 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT एंड आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसके अलावा मैं NISM सर्टिफाइड हूँ। करंटली आई एम परस्यूइंग MBA फ्रॉम IIM रायपुर एंड अभी मैं SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टिंग एडवाइज़र नहीं हूं। तो किसी भी टाइप का बाय या सेल आप अपने बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग करें या अपना ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही करें। सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉल्यूशंस बनाती है, जिसमें डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारे वैल्यू चेन के अंदर ये कंपनी काम करती है। जो डिफरेंट बिजनेसेस को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको ये कंपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व करती है एंड एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कोई भी कंपनी अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ सके। कंपनी के नाम की बात करूँ तो कंपनी का नाम है NetWeb Technologies। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर एंड डिफरेंट सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। अगर इसके कुछ हाई लेवल जो बिजनेस टेलविंड है उनकी अगर बात करें तो ये मेक इन इंडिया पॉलिसी, PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनके अंदर बेनिफिशियरी होने वाली कंपनी है। इसके अलावा मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी भी ये कंपनी बेनिफिशियरी है। इसके अलावा जो ग्रोइंग डिमांड फॉर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड नेटवर्क स्विचेज है, इसकी भी इसको टेलविंड मिलती है। अपग्रेडिंग नेटवर्क टू 5G टेक्नोलॉजी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल ऑफ ओवर 1,03,000 मिलियन फॉर द इंडियाज AI मिशन। तो जो इंडिया का AI मिशन है उसमें ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाली कंपनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कंपनी कोलैबोरेट करती है इंटेल अमेरिकाज, AMD एंड NVIDIA एंड Seagate इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे डिफरेंट पार्टनर्स के साथ जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है। इवन NVIDIA के साथ इस कंपनी ने अपनी जो पार्टनरशिप है वो 2023 में ही कंप्लीट करी है। इसके अलावा ये कंपनी है कंप्लायंट विद द मेक इन इंडिया पॉलिसी, तो इस तरीके के सारे फायदे ये कंपनी उठाने वाली है। 1999 से ये कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है। फरीदाबाद हरियाणा के एक ऑफिस से स्टार्ट करके करंटली अराउंड 17 ऑफिस लोकेशन है इस कंपनी की इंडिया के अंदर। अब अगर मेजर लेवल पे बात करें तो क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या सर्विसेज एंड क्या क्या सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो ये डेटा सेंटर सर्वर प्रोवाइड कराती है, AI सिस्टम एंड वर्क स्टेशन बनाती है, प्राइवेट क्लाउड एंड हाई एंड कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है वो बनाती है, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज HPC सिस्टम बनाती है। सर्विसेज की बात करें तो क्लाउड माइग्रेशन, मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज, ओपन स्टैक क्लाउड, HPC ऑन क्लाउड, मैनेज Kubernetes, AI एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा सॉल्यूशंस की बात करें तो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड, इन पर्टिकुलर फील्ड में ये कंपनी काम करती है। अब अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो 28 जुलाई 2023 को ही ये कंपनी लिस्ट होती है एंड वहां से अगर अभी तक के रिटर्न देखें तो अराउंड 96% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि लिस्ट जिन पर्टिकुलर लेवल पे ये कंपनी हुई थी वहां से ऑलमोस्ट डबल ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर चुकी है। 9,950 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है, जैसे ही हम ये स्लाइड देखते हैं कि 28 जुलाई 2023 को ही ये कंपनी लिस्ट होती है, तो पहला हमारे दिमाग में सवाल आता है कि इसका IPO कब आया था एंड IPO किस पर्टिकुलर लेवल्स पे कंपनी ने जारी किया था।
हाँ, ऑल दो ये 898 पे लिस्ट हुई थी, बट हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ने इसको क्या वैल्यूएशन पे इसका जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो लेके आई थी। तो वो अगर डेट्स देखते हैं तो 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ आया था, एंड इसका प्राइस बैंड जो था अपर बैंड जो था अराउंड 500 रुपीज़ पर शेयर था। 500 रुपीज़ के पर शेयर होने पर ये अराउंड 900 रुपये के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अब अगर इसकी बेसिक कुछ फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो करंटली ये कंपनी 9,940 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि इंडियन मार्केट के कैप स्पेस के अकॉर्डिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो पी देखेंगे तो 131, जो कि आपको ट्रिपल डिजिट पी या 100 प्लस का पी लगेगा, तो आपको ये स्टॉक महंगा नजर आएगा। लेकिन किसी भी स्टॉक के सिर्फ पी देख के उसको अपन महंगा कहें, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है। जैसे कि हमने प्रीवियसली चैनल पे वीडियो बनाए थे पी एंड पीजी रेशियो के, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप पी को देखते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के पी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, या फिर आप पीजी रेशियो की भी मदद ले सकते हैं कि क्या ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टिंग करने के एक फेवरेबल लोकेशन पे नजर आता है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग पी की बात करें तो ज़्यादा सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ ऐसे नहीं लगता है कि डायरेक्टली ये पी यहाँ पे आया है। जैसे 9,940 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, इसके अंदर डिवाइड किया गया है 76 करोड़ का, जो कि इसका इस ईयर का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट से डिवाइड करने के बाद अराउंड 131 का पी आता है, तो पी का मुझे यहाँ सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं लगता है। आगे चल के इसकी ग्रोथ के बारे में देखेंगे, जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो इस पी को भी जस्टिफाई करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 38.5% का है, जो कि काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो वो 29.4% का है, वो भी अगेन अच्छे लेवल पे नजर आता है। इंडस्ट्री पी यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्मल जो इंडिया की आईटी सर्विसेज कंपनी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, उनके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री पी यहाँ दिखाया गया है, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ अगर कंपेयर करें तो रेलेवेंट डेटा नहीं लगता है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 71.8% की है, जो कि काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 110% की है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है। साथ ही साथ कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाने में कैपेबल है। वहीं जैसे कि हमने बात करी थी पीजी रेशियो, जब हम पी रेशियो को ग्रोथ के साथ एडजस्ट करके देखते हैं तो पीजी रेशियो आता है। पीजी रेशियो जनरली 1 से नीचे का अच्छा होता है, लेकिन जब आपको एक कंपनी जो कि ग्रोइंग सेक्टर से रिलेटेड है, साथ ही साथ उसमें हाई एंट्री बैरियर है, तो ऑब्वियसली वो आपको 1 से नीचे पीजी रेशियो पे मिलती है, तो वो एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन होती है। लेकिन 1.38 का पीजी रेशियो भी मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ज़्यादा नहीं लगता है। जो इसके आज ही क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्च 2023 में जहां इस कंपनी ने 123 करोड़ की सेल की थी, वहीं मार्च 2024 में इस कंपनी ने 266 करोड़ की सेल की है, जो कि इसकी सेल्स के अंदर 115% का आपको ग्रोथ नजर आती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2023 में कंपनी ने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं मार्च 2024 में कंपनी ने अराउंड 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की बात करूं तो अराउंड 182% की ग्रोथ नजर आती है। तो ये थे इसके क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट काफी शानदार है। इन क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, एंड साथ ही साथ आप देखेंगे तो फ्यूचर में भी इस तरीके के ग्रोथ स्टॉक में होती हुई नजर आएंगे। अब देखेंगे कि सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट ही अच्छे हैं या पिछले 5 सालों के या 6 सालों के जो इनके ईयरली रिजल्ट है वो भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ईयरली रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में इनका टोटल रेवेन्यू था 156 करोड़, देन 2021 में ये 143 करोड़ होता है, देन 2022 में ये बढ़ के अराउंड 250 करोड़ के आसपास होता है, देन 445 करोड़, एंड करंटली 724 करोड़ इनका नेट रेवेन्यू है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अराउंड 15% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी इंजॉय करती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आज से 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था, जो करंटली बढ़ के अराउंड 76 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। तो कंपनी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, साथ ही साथ काफी अच्छी टेलविंड रखने वाली ये कंपनी है। तो एक प्रश्न आता है कि क्या इस कंपनी के अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, जो कि सेबी का रूल है कि जो कंपनी अगर लिस्ट होती है तो 3 ईयर्स के अंदर अंदर अपनी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको 75% या उससे कम रखनी होती है। तो इन्होंने मैक्सिमम साइड पे अपनी होल्डिंग को रखा है।
प्रमोटर्स की बात करें तो हाईली एक्सपीरियंस्ड है इस पर्टिकुलर फील्ड में, संजीव लोढ़ा है, विवेक लोढ़ा है जो होल टाइम डायरेक्टर है, या सीईओ की बात करें तो इस पर्टिकुलर फील्ड में इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अराउंड 27 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड में रखते हैं। अब अगर FII की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के 3 फंड ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। फंड के नाम बताऊं तो इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो, गोल्डमैन सैक्स का इमर्जिंग मार्केट फंड एंड जो गोल्डमैन सैक्स का ट्रस्ट है उसका भी इमर्जिंग मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर वो ये तीनों फंड ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। इसके अलावा जो नोमूरा फंड है उस वो भी 1.38% का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में रखता है। DII की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड है वो 2.6% की होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में रखता है। पब्लिक के पास देखें तो अराउंड 7.84% का स्टेक नजर आता है। अब यहाँ पे बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर आपको एक एज है उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसे मैं कोई PMS का ओनर हूँ या अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड रन करता हूँ तो मैं मिनिमम क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए स्टॉक में होल्ड करने के लिए तो वो काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि वो पब्लिक का जो पैसे हैं वो मैनेज करते हैं। तो अगर इस स्टॉक की 1% होल्डिंग भी अगर कोई लेना चाहे तो उसको मिलेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी अराउंड आप देख सकते हैं 93% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर FII एंड DII ऑलरेडी लेके बैठे हैं। सिर्फ 7% की होल्डिंग है जो पब्लिक या HNI के पास आप बोल सकते हैं। इसमें से भी आपको दिखेगा कि बहुत कम क्वांटिटी आप ले सकते हैं। मीन्स अगर आप बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर आप अपनी क्वांटिटी इजीली ट्रेड कर सकते हैं लेकिन अगर किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को बड़ी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में लेनी होगी तो उनको वेट करना होगा कि कोई दूसरा फंड इस पर्टिकुलर स्टॉक से जब एग्जिट करेगा तो वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करेंगे। वहीं बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर आप कभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो हाई प्रमोटर होल्डिंग, हाई FII होल्डिंग एंड हाई DII होल्डिंग वाला ये स्टॉक फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। आप अपने ड्यू डिलीजेंस करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। मैं इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करता हूं तो मेरे जो ओपिनियन है वो बायस्ड भी हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है एंड अपनी कंप्लीट स्टडी के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।